Hello everyone. So today we are going to understand quadrilateral second exercise, where the problems are based on sum of measure of exterior angles of triangle. Okay. तो आज के लेक्चर में एक्चुअली लास्ट लेक्चर में हमने एट द एंड ये समझ लिया था कि जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका जो टोटल होता है किसी भी पॉलीगॉन में 360 डिग्री होता है. तो बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. पहला प्रॉब्लम यहाँ पर है, फाइंड द फॉलोइंग, एक्स फाइंड आउट करना है, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग. ओके, तो एक्स फाइंड आउट करना है. पहला फिगर ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लिखेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. या फिर ऐसा लिखने से अच्छा हम क्या करते हैं, ये लिखने के बजाय यहाँ पर लिखते हैं 125 प्लस 125 प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. और रीज़न क्या देते हैं, रीज़न लिखते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन. सिंपल, फेयरली सिंपल. बस ये आपने रीज़न लिखा, अब बस हो गया प्रॉब्लम. 125 प्लस 125 इज़ व्हाट, 250. सो 250 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. सो देयरफॉर आपका ये जो एक्स डिग्री है इट इज़ इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री. सो 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये हमें मिलेगा 110 डिग्री. ओके, सो 110 डिग्री इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स. तो ये पहला प्रॉब्लम था. ओके, इसी तरह से सेकेंड प्रॉब्लम, राइट, ये प्रॉब्लम. ओके, तो इसको रफ कर देते हैं. सेकेंड प्रॉब्लम, अब ये सेकेंड प्रॉब्लम पे इसी तरह से आप क्या कह सकते हैं, ये एक्स डिग्री प्लस यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल आपका 90 डिग्री प्लस यहाँ पर 60 डिग्री. देखिए क्या है, एक्सटीरियर एंगल बनाते समय हम पॉलीगॉन के साइड को एक साइक्लिक ऑर्डर में एक्सटेंड करते हैं. जैसे यहाँ पर ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हमने एक्सटेंड किया है, ये इधर एक्सटेंड हो गया, ये एक्सटेंड हो गया, ये इधर एक्सटेंड हो गया, ये एक्सटेंड हो गया और ये एक्सटेंड हो गया, राइट. सो एक्स प्लस 90 प्लस 60 प्लस वापस से 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री क्या हो गया, प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. रीजन, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन. ओके, सो एक्स प्लस, नाउ ये सारा ऐड करेंगे, सो 9 प्लस 9 180 एंड 60 प्लस 70 130. 180 प्लस 130 इज 310. ओके, चेक कीजिए वापस से, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 6, 16 प्लस 6 22, 22 प्लस 9 31. ओके, 310 बराबर है, इक्वल टू 360 डिग्री. सो व्हाट इज एक्स, एक्स इज 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री. सो 360 माइनस 310 इज इक्वल टू 50 डिग्री. सो एक्स की वैल्यू 50 डिग्री, सिंपल. ओके, सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन. ओके, रेगुलर पॉलीगॉन है तो ईच एक्सटीरियर एंगल इज गोइंग टू बी सेम. ओके, सो यहाँ पर 9 साइड है, 9 एक्सटीरियर एंगल होंगे. सो लेट अगर मैं कंसिडर करूँ, लेट ईच, यहाँ पर फर्स्ट केस में लेट ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू एक्स. सो देयरफॉर 9 टाइम्स एक्स इक्वल टू 360. ये हम फर्स्ट प्रॉब्लम कर रहे हैं, 9 साइड्स हैं, 9 एंगल है. सो देयरफॉर एक्स इक्वल टू 360 अपॉन 9. ओके, रीज़न यहाँ पर आप लिख सकते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन. तो 360 अपॉन 9, 9 फोर ज़ा 40 डिग्री, ये एक्स. ओके, ऐसे ये सेकेंड प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे. 15 साइड है, ईच एक्सटीरियर एंगल एक्स,
सो 15x इक्वल टू 360 एंड यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. तो अगर रेगुलर पॉलीगॉन है और आपको ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो सिंपली क्या करना है, 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइड डज रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ़ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24. सो यहाँ पर हाउ मेनी साइड्स, सो यहाँ पर मान लेते हैं लेट रेगुलर पॉलीगॉन हैज एन साइड्स. ओके देन 24 इज ईच एक्सटीरियर एंगल. तो यहाँ पर हाँ 24 n डिग्री हम कह सकते हैं इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, या फिर सिंपली 24 n इज इक्वल्स टू 360 एंड देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाय 24. सो 360 डिवाइड बाय 24. सो यहाँ पर 360 डिवाइड बाय 24, 6 से कट करेंगे, 6 6 ज़ा 36, 6 4 ज़ा, देन वापस से 4 से करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 220, 4 5 ज़ा 20. सो n इज इक्वल्स टू 15. हाउ मेनी साइड डज रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24. सो ईच एक्सटीरियर एंगल मल्टीप्लाइड बाई 24 विल बी 360, राइट? समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? ओके, आपका नंबर ऑफ साइड n कंसिडर किया, सो 24 n विल गिव यू 360. तो n इज ये आपका क्या हो गया 15, राइट? थर्ड क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ़ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165. हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ़ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल? तो यहाँ पर लेट नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल्स टू एन, देन ईच इंटीरियर एंगल 165 है, तो 165 n इज इक्वल्स टू ये टोटल सम हो जाएगा, एंड सम इज इक्वल टू हमें पता है इट इज n माइनस 2 टाइम्स 180. ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 165 n इज इक्वल्स टू 180 n माइनस 360. ओके, सो देयरफॉर ये माइनस 360 लेफ्ट में ले लेते हैं और 165 राइट में, तो 180 n माइनस 165 n. सो दिस इज इक्वल टू 180 माइनस 65, ये 15 n हो गया. सो 15 n इज 360. सो n इज व्हाट? 360 डिवाइड बाय 15. 15 2 ज़ा 36 कैरी 60, 15 4 ज़ा, ओके, सो n इज 24. सो हाउ मेनी साइड्स डज रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच इंटीरियर एंगल 165? सो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू 24. तो यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि रेगुलर पॉलीगॉन होगा तो हर एंगल सेम होगा, हर इंटीरियर एंगल सेम होगा, इसी तरह से हर एक्सटीरियर एंगल सेम होगा. दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 होगा, और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल अगर हम देखें तो वो n माइनस 2 टाइम्स 180 होगा, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड. ओके, ये प्रॉब्लम मैं एक्सटीरियर एंगल यूज़ करके भी कर सकता हूँ, लेकिन ठीक है, इंटीरियर एंगल दिया है, इंटीरियर एंगल का हमें प्रॉपर्टी पता है, तो हम इंटीरियर एंगल से सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट प्रॉब्लम, इज इट पॉसिबल टू हैव रेगुलर पॉलीगॉन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री? ओके, तो देख लेते हैं. लेट एन बी द नंबर ऑफ साइड
of number of side of regular polygon where each exterior angle is equals to 22 degree. So then 22 times n जो होगा it will be equal to 360. So therefore n equal to 360 divided by 22. So 2 से कट करेंगे 180 upon 11. So 180 upon 11 is 11 when the 11 880 11 7 the 77 330 11 2 the so 17.2. okay, so this is a decimal number. So n जो है number of side, number of side तो 17.2 हो नहीं सकता, but ये कोई integer ही हो सकता है, but n हम कह सकते हैं कि it is not equal to 17.2. therefore is it possible? So therefore it is not possible, it is not possible. okay, it is not possible to have regular polygon. It is not possible to have regular polygon with each exterior angle is equals to 22 degree. okay, so it is not possible to have a regular polygon with each exterior angle equal to 22 degree. Right, simple. Can it be an interior angle of regular polygon? Why? So जब यहाँ पर exterior angle आपका 22 नहीं हो सकता है तो मे बी आपका interior angle भी 22 नहीं हो सकता. okay, तो एक तरीका तो ये है कि वापस से इसको हम सॉल्व करें. कैन इट बी अ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन. ओके, तो बी पार्ट ले लेते हैं. लेट हम कंसिडर करते हैं, लेट एन बी नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन वेयर, लेट एन बी द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन where each interior angle is equal to 22 degree. So then 22 times n, ये total interior angle हो गया, this will be equal to n minus 2 times 180. So therefore यहाँ पर 22n is equals to 180n minus 360. okay, so therefore 180n minus 22n equal to 360. so therefore ये डिग्री नहीं रखते हैं हम, डिग्री नहीं लिखेंगे क्योंकि डिग्री को हटा के इक्वेट कर रहे हैं हम. so 180 minus 22 is 10 minus 2 is 8 and यहाँ पर 7 minus 2 फाइव. सो ये 158n इज इक्वल टू 360. सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 360 अपॉन 158. अब देखिए ये भी एक फ्रैक्शन है तो यहाँ पर अगेन, बट ये जो n है इट कैन नॉट बी इक्वल टू 360 अपॉन 158. सो देयरफॉर अगेन इट इज़ नॉट पॉसिबल. Can it be an interior angle? So therefore 22 degree cannot be an interior angle, cannot be an interior angle of a regular polygon. आपका क्या होता है कि regular polygon के लिए minimum number of side 3 होना चाहिए. यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे तो ये 2 point समथिंग आता है. सो इट इज़ लेस देन 3. ओके, सो ठीक है, एक तो ये है कि फ्रैक्शन में आ रहा है, दूसरा लेस देन 3 है. ओके, सो देयरफॉर ये 22 डिग्री कैनॉट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन. राइट,
तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन. नाउ सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन. सो रेगुलर पॉलीगॉन के लिए मिनिमम एंगल क्या पॉसिबल है, वाई, एंड व्हाट इज़ द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन. व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल. ओके, सो यहाँ पर व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन. सो आपका क्या होता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड बढ़ते हैं वैसे वैसे इंटीरियर एंगल बढ़ता है. तो एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि एज नंबर ऑफ साइड इंक्रीजेस, एज द नंबर ऑफ साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, क्या लिखेंगे, एज द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इंक्रीजेस, इट्स ईच इंटीरियर एंगल ऑल्सो इंक्रीजेस. सो फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल, सो फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन शुड ऑल्सो बी मिनिमम. तो आपको अगर एक्सटीरियर एंगल, ओके, एक्सटीरियर एंगल सॉरी इंटीरियर एंगल मिनिमम चाहिए, तो रेगुलर पॉलीगॉन का नंबर ऑफ साइड भी मिनिमम होना चाहिए. सो इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स. सो हियर इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 3 इज अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मिनिमम नंबर ऑफ साइड, मिनिमम नंबर ऑफ साइड. सो व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल, व्हाट इज मिनिमम इंटीरियर एंगल. सो देयरफॉर मिनिमम ईच इंटीरियर एंगल, अब यहाँ पर मेंशन नहीं किया ना सम ऑफ इंटीरियर एंगल बोला या ईच इंटीरियर, तो आई बिलीव दैट कि ईच इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं. सो मिनिमम ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू, सो यहाँ पर रेगुलर पॉलीगॉन में टोटल सम होगा 360 डिग्री और नंबर ऑफ साइड 3 है. सो दिस इज इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाई 3, कुछ तो गलती कर रहे हैं. हाँ, 180 डिवाइड बाई 3, 360 क्यों ले रहे हैं, सम होता है 180. तो 180 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. सो ईच इंटीरियर एंगल 60 डिग्री. इसी तरह से एक्सटीरियर एंगल की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड बढ़ते हैं ना वैसे वैसे ईच एक्सटीरियर एंगल छोटा होता जाता है. तो अगर आपको एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल चाहिए तो नंबर ऑफ साइड क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए. तो मिनिमम नंबर ऑफ साइड पॉसिबल कितना है, 3 है पॉलीगॉन में. ओके, नंबर ऑफ साइड पॉसिबल कितना है, 3 है. तो अगेन मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसिडर करूँगा और फिर ईच एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा 360 अपॉन एन, राइट ना, 360, क्योंकि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360, नंबर ऑफ साइड 3, तो 360 अपॉन 3 विल गिव यू ईच एक्सटीरियर एंगल. तो आपको ईच एक्सटीरियर एंगल क्या मिलेगा, 120 डिग्री.
ओके सो व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल. सो मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल 60 डिग्री है. एंड व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल. सो मिनिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल आपका है 360 डिग्री. ओके राइट ओके फाइन. तो यहाँ पर ये हम ख़त्म करते हैं आपका सेकेंड एक्सरसाइज ख़त्म. तो सेकेंड एक्सरसाइज में बेसिक जो पॉइंट है ध्यान में रखने वाले वो क्या हैं कि आपका कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन होगा. पहले तो पॉलीगॉन की बात करें जहाँ रेगुलर पॉलीगॉन हमने डिस्कस किया, बट पॉलीगॉन की अगर हम बात करें तो किसी भी पॉलीगॉन के लिए जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होगा वो होगा n माइनस टू टाइम्स 180. सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होगा 360. अगर आपका रेगुलर पॉलीगॉन है तो ईच इंटीरियर एंगल आर गोइंग टू बी सेम. सो अगर आपको ईच इंटीरियर एंगल निकालना है तो सम ऑफ एंगल डिवाइड बाय एन विल बी द फॉर्मूला फॉर ईच इंटीरियर एंगल. इसी तरह से अगर ईच इंटीरियर एंगल निकालना है तो यहाँ पर सम हमको पता है 360 डिग्री होगा, तो 360 अपॉन एन. तो 360 अपॉन एन से हमको ईच एक्सटीरियर एंगल मिल जाता है. और सम ऑफ एंगल जो कि n माइनस टू इंटू 180 है. सो n माइनस टू इंटू 180 डिवाइड बाय n अगर करेंगे तो हमें ईच इंटीरियर एंगल मिल जाएगा. तो बस यही कॉन्सेप्ट है. ये कॉन्सेप्ट पर ये एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू. नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ओके जहाँ पर नंबर ऑफ साइड 4 है तो उनके अलग अलग टाइप क्या हैं. ओके सो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में. थैंक यू.